देवी और सज्जनों, हम यहाँ एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में बात करने आए हैं जिसका सामना हम सभी अपने समाज में करते हैं, और वो मुद्दा ये है कि बाइक चोरी। हमारे देश में बाइक चोरी इतनी आम हो गई है कि हर संभव सावधानी बरतने के बाद भी अपनी बाइक को सुरक्षित रखना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। हाल ही हमें ऐसी घटना देखने को मिली है जिसकी वीडियो भी आप देख रहे हैं, जहाँ एक बाइक चोर CCTV कैमरे में कैद हो गया है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में विफल रही है, नाकाम रही है। इसके पहले इसी एरिया में इसी तरह की एक घटना और हो चुकी है और उस बाइक का भी अभी तक कोई पता नहीं चला है। ये जानकर बहुत दुख होता है कि सबूत उपलब्ध होने के बावजूद भी पुलिस अपराधी को पकड़ने में विफल रही। ये घटना हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर कुछ और गंभीर सवाल उठाती है। इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास सभी उपकरण और संसाधन है, वे इन अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ है। तो अब सवाल ये उठता है व्यूअर्स कि हमें क्या करना होगा। तो हमें बाइक चोरी रोकने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। हमें सतर्क रहने और अपनी बाइक को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमें अपने पार्किंग स्थलों पर CCTV कैमरे लगाने चाहिए और अपनी बाइक हमेशा अच्छी रोशनी वाली जगहों पर पार्क करनी चाहिए। उसके अलावा और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। एक गरीब आदमी या एक मिडिल क्लास अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जमा करके एक बाइक लेता है और इस तरह से चोरी होने पर उसे कितना सदमा होता होगा, ये वो जिसकी नुकसान हुआ है वही बता सकता है। अंत में ये सही समय है कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से लें और अपने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से कार्रवाई की मांग करें। हमें एक साथ खड़े होकर बाइक चोरों के खतरे से लड़ना चाहिए। हमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों को नहीं भूलना चाहिए, किसी भी जगह अन्याय, हर जगह न्याय के लिए खतरा है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, NNTV को सब्सक्राइब करें। बने रहें NNTV के साथ। जय हिंद।